हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन। तो आज हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं यहाँ पर, जस्ट एग्जाम, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही होगी। यार अभी तक मैंने देखा पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिल रही होगी, बिकॉज जस्ट एग्जाम के ऊपर एक एक इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कट ऑफ की बात करें, व्हाट इज जस्ट एग्जाम से लेकर हम शुरू करेंगे कि जस्ट एग्जाम होता क्या है, उसके फायदे क्या हैं, स्टाइपेंड कितना मिलता है, कॉलेज में जाके कैसे अप्लाई करना है, कौन से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, सब कुछ कवर अप करेंगे। जस्ट गिव मी अ 2 मिनट्स, मैं पूरा इंडेक्स यहां पर आपको दिखा रहा हूं। यार कुछ बातें अगर मैं वीडियो शुरू करने से पहले यहां पर बताना चाहूंगा, पहली बात यार, ये बहुत दिनों से ये डिले हो रहा था वीडियो, मेरे स्टूडेंट्स को मैं माफी चाहूंगा, बिकॉज इस वीडियो को बहुत ज्यादा टाइम लगा है बनाने में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, तो ऑलवेज अप्रिशिएट द वर्क। आप हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हम इस वीडियो को जरूर करेंगे और पूरी एंड तक देखना वीडियो में। अगर आप पूरी एंड तक वीडियो को देख लेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स भी बता दूंगा, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट एग्जाम के ऊपर मिल रही होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। चलिए जी, तो आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे कि यार जस्ट एग्जाम के ऊपर हम यहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात कर रहे होंगे, ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिल रही होगी। तो इसमें क्या, इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा होगा, स्टार्टिंग करेंगे सर जस्ट एग्जाम क्या होता है, वाई टू गिव जस्ट एग्जाम, इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, स्टाइपेंड सैलरी क्या है, फीस क्या लगती है कॉलेजेस में, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स टू फॉलो, ऑल इंडिया रैंक वन के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कट ऑफ पास्ट ईयर्स की कट ऑफ क्या रही है, टॉपिक वाइज डिफरेंट टॉपिक आईआईटी जेएम से अलग क्या है, ठीक है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है दोनों के लिए ही है, जो पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये कॉमन वीडियो मैंने बनाई है। सब कुछ इसमें मैं यहां पर आपको बता रहा हूंगा और भी फ्यूचर में आपको ये सारी वीडियोस भी आ रही होंगी। इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ऑलरेडी कर सकते हैं। चलिए यार, तो सबसे पहले बात करते हैं सर जस्ट एग्जाम है क्या। तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, दिस इज योर एडुकेटर शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे, आई एम ऑल इंडिया रैंक 25 आईआईटी जैम, आई हैव क्रैक्ड सेवरल एग्जाम्स लाइक टीआईएफआर, जस्ट, गेट्स, यूसेट, पीजी एंड जस्ट मैंने 2 या 3 बार क्रैक कर रखा है, एक बार इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए, तो दोनों ही मैंने एग्जाम क्रैक कर रखे हैं ये एंट्रेंस में। ठीक है, इस चैनल पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी, वन ऑफ दोज इज हाउ आई गॉट आईआईटी बॉम्बे इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इस चैनल पे आपको हर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी मैंने बना रखी हैं, जाके जरूर चेकआउट आप कर सकते हो। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है, टीआईएफआर की हो गई, आईआईटी जैम मैकेनिक्स की हो गई, ईएमटी रिवीजन की हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, सीयूसेट के पीवाईक्यूज हो गए, तो ओवरऑल बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रही है। चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम सीधे सीधे बात करेंगे ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जस्ट एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार यहां पर जानेंगे कि व्हाट इज जस्ट एग्जाम। बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर सब कुछ यहां पर क्लियर करने वाला हूं, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो बट आप पूरे एंड तक देखना, स्पीड डबल कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट एक एक चीज मैं यहां पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पेन पेपर अगर लेकर बैठोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर, क्योंकि आप आखिरी में जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप समझा सकते हो आखिरी के आपके डाउट्स, और प्लीज जो भी आपको डाउट हो कमेंट जरूर करना, मैं उसको आप उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो या आपके कमेंट्स पे जरूर रिप्लाई करूंगा। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। नाउ बस अब बिगिन करते हैं यार जस्ट एग्जाम के बारे में। सो एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन इन पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो जो बच्चे बीएससी कर चुके हैं या बीटेक कर चुके हैं या एमएससी कर चुके हैं या एमएससी कर रहे हैं या बीएससी भी कर रहे हैं, वो जस्ट एग्जाम दे सकते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना क्लियर हो गया कि जस्ट एग्जाम से क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं एक बार यार जस्ट एग्जाम से होता क्या है। ठीक है, आपने जस्ट एग्जाम दिया, ठीक है, आप इंटीग्रेटेड पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं या पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बीएससी कर ली, अब आप क्या करेंगे, या तो एमएससी करेंगे या फिर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद एमएससी के बाद पीएचडी होती है। तो कई बच्चे जो है बीएससी एमएससी ना करकर डायरेक्टली इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, और जनरली जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स जो है 6 साल का होता है, जिसमें पीएचडी भी हो जाती है आपकी, मास्टर्स भी हो जाती है। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं पीएचडी, तो इंडिया में पीएचडी के 5 साल होते हैं, ठीक है। आप इसके बाद डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टरेट की आपको डिग्री मिल जाती है और आप कहीं भी प्रोफेसर लग सकते हैं आसानी से पीएचडी करने के बाद, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं सर? फिजिक्स में कर सकते हैं, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, न्यूरो साइंस में कर सकते हैं, कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी में भी कर सकते हैं। तो ये मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपको जेस्ट के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। थोड़ी सी सर इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में बता दीजिए। देखो पीएचडी के बारे में तो सबको पता है, क्लियर है, बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी, ठीक है, और वो क्लियर है। रिसर्च होता है, पीएचडी का मतलब आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्स बहुत पसंद है और आपका मन है कि यार मैं बिग बैंग के बारे में पढ़ूं, कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ूं, कॉस्मोस के बारे में पढ़ूं, तो आप जो है एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज को शो कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्या होता है सर? मतलब बीएससी के बाद आप एमएससी नहीं करना चाहते हैं और आप श्योर हैं कि मुझे पीएचडी ही करनी आगे, तो क्या कर सकते हैं आप? इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसका फायदा यह रहता है, एमएससी जहां पर ज्यादातर असाइनमेंट्स वाली रहती है या सब्जेक्ट वाइज रहती है, इंटीग्रेटेड पीएचडी रिसर्च बेस्ड रहती है। वहां पर जो आपकी एमएससी होगी वो रिसर्च बेस्ड होगी, जो कि आई मीन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमएससी से ज्यादा बेटर है अगर आपने रिसर्च का मन बना लिया है तो, ठीक है। एक ये बात है, इसके ऊपर आगे भी हम बहुत सारे डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सर इन जनरल ये पेपर कब होता है, ठीक है, हर साल वैसे आईआईटी जैम एग्जाम जो है सेकेंड संडे ऑफ फरवरी को होता है, ठीक है, और जेस्ट एग्जाम जो है वो थर्ड संडे ऑफ फरवरी में होता है, यानी कि थर्ड वीक ऑफ फरवरी में होता है हर साल। बट पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से या जैसे भी है ये एग्जाम थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो इस साल की भी अगर मैं बात करूं, इस साल ये एग्जाम जो है हमारा इसके फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म जो है जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप फॉर्म के बारे में पूछें तो जो इसका फॉर्म है वो अप्रोक्सीमेटली जनवरी से शुरू हो जाते हैं और आप देख सकते हैं इस बार 3 मार्च को इसका लास्ट डेट है फॉर्म का, ठीक है। और एक नया नोटिफिकेशन आया है कि इसकी डेट अनाउंस हो गई है, 26 मार्च को इस साल ये एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर जस्ट 2024 वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियोस को देखना आप, क्योंकि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी, जस्ट एग्जाम की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, अगर चेंज होगी तो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट 2023 के बारे में बता रहा हूं कि मार्च 26 को एग्जाम हो रहा होगा और जिनको सेंटर चेंज कराना है वो 6 मार्च तक यहां पर बता सकते हैं या कोई भी करेक्शन कराना है तो। सर एग्जाम की फॉर्म की फीस कितनी रहती है? फॉर्म की फीस जो है 800 रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 400 रहती है, ठीक है, और नॉन एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन ऑर्डर, ये फ्री, मेरे ख्याल से फ्री रहती है फीमेल के लिए ये जो एग्जाम है, ठीक है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस वेव्ड फॉर फीमेल एप्लीकेंट, तो लड़कियों के लिए तो फ्री है पूरा, और मेल स्टूडेंट्स को 800 देनी है, एससी एसटी को वो भी 400 देनी है, क्लियर है सर? तो लड़कियों को तो फॉर्म भरना ही चाहिए भाई, फ्री का फॉर्म है तो जरूर भरो, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को मैं पहले यहां पर लेना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सर व्हाट आर द डिसिप्लिन्स फॉर द जस्ट एग्जामिनेशन? जैसे कि मैंने बताया फिजिक्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, दोनों के लिए नहीं कर सकते, इन्हीं में से किसी एक के लिए ही आप कर सकते हैं। सर इंटीग्रेटेड पीएचडी, पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा? देखो होता है, आर देयर डिफरेंट टेस्ट? नहीं, एक कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन एग्जामिनेशन होता है पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, ठीक है। क्या सेक्शन अलग अलग होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, सेक्शंस भी कॉमन होते हैं। अभी मैं एग्जाम का पैटर्न यहां पर बता रहा हूंगा, ठीक है। तो पार्ट ए बी सी जो होता है वो तीनों ही आपको करने होते हैं, चाहे आप बीएससी वाले स्टूडेंट हो चाहे एमएससी वाले स्टूडेंट हो। तो सर अलग अलग कैसे होगा, पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी अलग कैसे होगा? कट ऑफ लिस्ट अलग अलग निकलती है, ठीक है, मेरिट लिस्ट अलग अलग निकलती है कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, पीएचडी वालों के लिए अलग लिस्ट बनेगी और इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों की अलग लिस्ट बनेगी, ठीक है। एग्जाम कॉमन होता है। Is there any limit number of times, कितनी बार आप जस्ट दे सकते हैं? नहीं, as such कोई लिमिट नहीं है। क्या सर कोई एज लिमिट है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। बस डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की क्राइटेरिया है, वो आप एक बार उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जस्ट एग्जाम जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है ये, ठीक है। ये कॉमन एग्जाम हो गया बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो ज्यादातर रूल्स जो है हर कॉलेज के अलग होते हैं, तो वो आपको जाकर हमेशा चेक कर लेने चाहिए। व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन का लेवल के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है और ज्यादातर ग्रेजुएशन के ही बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं,
ठीक है सर, मैं बीटेक कर रहा हूं, इन सभी से क्या मैं जस्ट एग्जाम दे सकता हूं? देखो जस्ट एग्जाम तो आप दे सकते हो, जितने भी चाहे बीटेक हो चाहे जो भी डिग्री हो आपकी, ठीक है। बट मेन चीज यहां पर यह है कि एक तो यह है कि अगर आप फिजिक्स के लिए दे रहे हो तो आपका जो मेन होना चाहिए वो फिजिक्स में आपका थोड़ा होना चाहिए, आपको पेपर होने चाहिए, ठीक है। अब मेन ये है कि सर आपको जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग कॉलेजेस की देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हो सकता है किसी कॉलेज में बीटेक वाले अलाउड ना हो और हो सकता है किसी कॉलेज में बीटेक वाले अलाउड हो, ठीक है। तो ये आपको एक बार जाकर देखना पड़ेगा। बट इन जनरल बीटेक वाले बच्चे यस जस्ट एग्जाम लिख सकते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा जस्ट के थ्रू, ठीक है। सर कितने साल तक स्कोर वैलिड रहता है? जैसे कि सर गेट का एग्जाम अगर मैं देता हूं तो उसका 3 साल तक वैलिड रहता है, बट ऐसा जेस्ट के साथ नहीं है। जेस्ट का स्कोर केवल 1 साल के लिए ही मान्य होता है, यानी कि अगर आप अभी जेस्ट अगर आप थर्ड ईयर में हो तो ही इस एग्जाम को दो, क्योंकि तभी आप एडमिशन ले पाओगे, या फिर आपने पास कर लिया, मान लो बीएससी थर्ड ईयर में हो या बीएससी पास कर लिया। एमएससी फर्स्ट ईयर में हो गए तो कोई फायदा नहीं है, एमएससी सेकेंड ईयर वाले अपने लास्ट ईयर वाले जो बच्चे लास्ट ईयर में है वो एग्जाम दे सकते हैं और जो पास आउट हो चुके हैं वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सर व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड फॉर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो बीएससी थर्ड ईयर वाले हो तो वहां पर आप रिजल्ट अवेटेड डाल सकते हो फॉर्म भरने के टाइम, और बीएससी सेकेंड ईयर के मार्क्स लगा सकते हो, ठीक है। एक बार इसे पढ़ लेना पॉज करके यार। चलिए सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिए, सर क्या मैं जस्ट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हो एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी, ठीक है, या अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते मतलब एमएससी या इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स या मैथ्स में इन जनरल, ठीक है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो एमएससी होनी चाहिए आपकी फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स में, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा बीटेक भी वगैरह वाले भी डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जो है सम इंस्टीट्यूट्स में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने कह रखा है प्लीज चेक द वेबसाइट फॉर द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन फॉर द डिटेल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक बात और लिखी है, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यही कह रहा था फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है एक बार वेबसाइट पर चले जाते हैं जेस्ट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं जेस्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहां पर अगर आप देखें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर कॉलेज का अपना अलग अलग वो है क्राइटेरिया, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का ये क्राइटेरिया है पीएचडी के लिए, ठीक है। देख सकते हैं आप हर कॉलेज ने अपना अपना क्राइटेरिया यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। पीएचडी के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप देख सकते हैं हर किसी ने अपना अपना क्राइटेरिया यहां पर लिखा हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लेंगे। बट वैसे एक बात बताऊं, ये तो बाद की बात है, पहले जेस्ट एग्जाम दो, ठीक है। जेस्ट एग्जाम देने के बाद रैंक लाओ और उसके बाद चेक करो कि कौन कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। फिर भी एक बार एग्जाम देने से पहले भी चेक कर लो कि हाँ भाई अगर आप बिल्कुल ही एक अलग लेवल के हो, या अलग लेवल से मेरा मतलब है आपका फील्ड ही अलग है, तो जरूर चेक करना चाहिए। अगर जनरल बीएससी एमएससी है, यानी कि आप इस जनरल क्राइटेरिया में आते हो जो मैंने बताया, तो फिर एग्जाम दो, टेंशन फ्री होकर। सर स्टाइपेंड एंड फीस के बारे में बता दीजिए, मान लीजिए आपने जेस्ट एग्जाम दे दिया, जेस्ट एग्जाम से आपकी रैंक आ गई और आपको एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन मिल गया, तो वहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 16,000 रुपए पर महीना मिलेगा 2 साल के लिए, यानी कि जब तक एमएससी पीरियड आपका चल रहा होगा, और उसके बाद 31,000 आपको मिल रहा होगा जब आप पीएचडी कर रहे होंगे, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यही मिलता है पीएचडी, ठीक है। अगर डायरेक्ट पीएचडी में लेते हो तो 31,000, ठीक है। फीस ऑफ कॉलेज हॉस्टल मेस फूड 12,000 पर महीने की, हॉस्टल वगैरह की फीस या एकेडमिक फीस या हॉस्टल फीस वगैरह थोड़ी बहुत इतनी फीस जो है लग जाती, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी यार। अब सर क्या ये फिक्स है? ऐसा नहीं है, हर कॉलेज के लिए अलग अलग है, ठीक है। ये मैं एक जनरल आपको बता रहा हूं कि इतने से इतने के बीच में होती है, ये मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं कि यार अप्रोक्सीमेटली इतनी आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में मिल जाना चाहिए और इतना पीएचडी में, हर कॉलेज का अलग अलग है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना अलग अलग पेजेस को, ठीक है। सर रिजल्ट कब आता है इसका? सर तो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद आता है। अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो जेस्ट एग्जाम जो है 13 मार्च को पिछली बार हुआ था और रिजल्ट जो है 14 अप्रैल को आया था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद इसका रिजल्ट यहां पर आने को मिलता है, ठीक है सर। तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात करी, एग्जैक्ट डेटा उनसे मैंने निकाला कि यार क्या होता है। तो ये जो स्टूडेंट है मेरा आईसीटीएस में है, वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहां पर जो स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो 31,000 मिल रहा है, ठीक है। आई मीन 21,000 मिल रहा है इंटीग्रेटेड पीएचडी में, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड पीएचडी का है, आप देख सकते हैं। नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सर,
यू जस्ट हैव टू बाय योर फूड विच इज ऑल्सो वेरी चीप इन कैंपस. वी आर अलॉटेड हॉस्टल्स नियर NCBS. We get to go there campus for food, which is also comparatively cheap. I didn't spend any money here for the food. ठीक है, thank you Vivek for the very information. ठीक है, at ICTS this is like this. IST के लिए this is not the case. IST में थोड़ा सा expense ज्यादा है and ICTS में सब कुछ subsidized है. तो ये information उन्होंने दी है. ठीक है, मैंने एक और student से अपने बात करी जो कि मोहित है और वो आइजर भोपाल में है right now. ठीक है, तो आइजर भोपाल के लिए ये है. इससे पहले वाला ICTS के लिए था, ये आइजर भोपाल के लिए. थैंक यू मोहित फॉर दिस इंफॉर्मेशन यार. ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल रही होगी. भैया आइजर भोपाल में पता है सही से इंटीग्रेटेड पीएचडी, और देख सकते हैं आप स्टाइपेंड जो है 12400 है यहां पर. सेमेस्टर की फीस कुछ इस तरह से है. ठीक है, और मेस में इतना खर्चा हो जाता है पर महीने का, ये पर सेमेस्टर की फीस है. ठीक है, आप देख सकते हैं सर इन फर्स्ट ईयर वी नीड टू गिव कॉशन मनी ऑल्सो, जो कि 75,000 बन जाता है टोटल, बट रिफंडेबल होता है करीब 25,000 जो है रिफंडेबल अमाउंट होता है जो एक बार आपको पे करना होता है. ठीक है, तो थीसिस भी अलग होती है, ये सब आप एक बार पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. जब आप थर्ड ईयर में एनरोल कर देते हैं यानी कि पीएचडी में एनरोल कर देते हैं तो उसके बाद आपको पीएचडी वाला अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है. आइजर पुणे में जो है 16,000 के अप्रोक्सीमेट है. ठीक है, आइजर कोलकाता में 12,000 के आसपास है, आइजर तिरुवनंतपुरम में 10,000 के आसपास है. तो मैं जैसे कह रहा था हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग स्टाइपेंड है, तो ये आपको मैंने इंफॉर्मेशन यार एक निकाल कर दी है यहाँ पर. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा. ठीक है, क्या सर एक सवाल ये है कि क्या मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद क्या मैं एमएससी में ड्रॉप आउट कर सकता हूं? मैंने इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले लिया सर, अब मेरा पीएचडी का मन नहीं है सर, या कोई भी कारण है तो मैं पीएचडी नहीं करना चाहता, मैं एक एमएससी की डिग्री लेकर बाहर जाना चाहता हूं. ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये कुछ इंस्टीट्यूट्स में पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल आइजर भोपाल में ये पॉसिबल है अभी करंट सिनेरियो में. सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, आइजर पुणे में ये अलाउड नहीं है. ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है ये फैसिलिटी, कुछ में नहीं है. ठीक है, तो ये आप एक बार पहले कॉलेज से वेरीफाई कर लेना जब भी आप एडमिशन लेने लगो, या फिर एक बार उनकी वेबसाइट पर जरूर देख लेना. एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये जो एमएससी की डिग्री है ये 2 साल की नहीं, ये 3 साल की देते हैं. फिर अगर कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर वो एमएससी की, अगर उसका अलग से एमएससी कोर्स नहीं है, अगर एमएससी कोर्स अलग से होगा फिर तो 2 साल की डिग्री, अगर एमएससी कोर्स अलग से नहीं है और इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स है तो वो 3 साल की डिग्री देंगे, जिसमें आपका 2 साल का एमएससी होगा और 1 साल का आपका प्रोजेक्ट होगा. ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट होगा. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो घाटा हो जाएगा हमारा, सर 3 साल की एमएससी डिग्री का मैं क्या करूंगा सर, ये तो घाटा हो गया. घाटा कुछ नहीं हुआ है, आपने एक बहुत अच्छा साल पीएचडी में बिताया है, प्रोजेक्ट में बिताया, जो आपके डेफिनेटली काम आएगा. अगर आप पीएचडी आगे जाना चाहते हो, मान लो आपने इंडिया में नहीं करना चाहते हो, आप फॉरेन जाना चाहते हो पीएचडी के लिए, आपने यहां से इंटीग्रेटेड एमएससी कर ली और आप फॉरेन जाना चाहते हो पीएचडी के लिए, तो ये 1 साल का प्रोजेक्ट आपके बहुत काम आएगा. ठीक है, मतलब ये कुल मिला के नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से, ये फायदा ही है. ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए सर. देखेंगे सर एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये सिंपल है, फॉर्म भरो सीधे सीधे. ठीक है, फॉर्म भरो, एग्जाम दो, रिजल्ट आएगा, रैंक आ जाएगी. रैंक आने के बाद, आप रैंक आने से पहले भी वैसे बहुत सारे कॉलेज जो है शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कॉलेजेस. आपको क्या करना है, रैंक आ गई उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है. अच्छा, मैंने आपको कॉलेजेस नहीं बताए यार कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो पहले कॉलेज ही देख लो यार. ठीक है, इंडिया के सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपको, रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा. एरिस नैनीताल हो गया, बोस आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट हो गया, SBNI हो गया, HRI हो गया, ICTS हो गया, IIA हो गया, ISC हो गया, आइजर भोपाल, सारे आइजर जो है जैसे एडमिशन लेते हैं. ठीक है, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, IIST, IMSC, IOP, IUCA, JNCSR, NBRC, देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत सारे, नाइजर्स भी हैं इसके अंदर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो. ठीक है जी, तो यार ये है इसके बारे में. अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं यार यहां पर. ठीक है, तो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कॉलेजेस. मैंने जैसे बताया कि आपकी रैंक आ गई, फिर आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट कॉलेजेस में, एल्स दे सेंड इनवाइट. आपको जो है मेल के थ्रू इनवाइट भी वहां पर आ सकता है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक
इंटरव्यू लिस्ट फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है। रैंक के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट रैंक लिस्ट आपको देखने को मिल रही होगी। इंटरव्यू सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है, चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लो, चाहे पीएचडी में एडमिशन लो, एग्जाम देने के बाद एक इंटरव्यू भी होता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इंडिया में रूल है कि कोई भी जो पीएचडी में एनरोल करना चाहता है, चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी हो, इंटरव्यू जरूर होता है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, एक बार आप एग्जाम देंगे, आपकी रैंक आएगी, फिर आप दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू करेंगे, उन बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, और उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं सर। एग्जाम जो है 3 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है सर। पेन पेपर होता है या सीबीटी होता है, ठीक है। 2021 तक ये पेन पेपर वाला होता था, 2022 में पहली बार सीबीटी हुआ था। अब देखते हैं 2023 में कौन सा होगा, बट मेनली जो है कंप्यूटर बेस्ड का ही जमाना अब आ चुका है, ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं सर इसमें, 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं सर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो होता है एमसीक्यू होता है 1 मार्क्स का, पार्ट बी जो होता है वो भी एमसीक्यू होता है 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन, और ये जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, ठीक है। पार्ट ए में 1 मार्क्स ईच, पार्ट बी में 3 मार्क्स ईच, एंड पार्ट सी में 3 मार्क्स ईच। तो मार्क्स लगा लीजिए आप इनके 25, ठीक है। ये हो गए हमारे 15, 45, और ये हो गए हमारे 30, ठीक है। तो 100 मार्क्स यहां पर आपको देखने को मिल रही, ठीक है सर। तो जैसे कि मैंने कहा सर, नेगेटिव मार्किंग होती है, यस इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट ए में जो एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में -1/3 की मार्किंग होती है। पार्ट बी में 3 मार्क्स अगर सही क्वेश्चन के लिए, -1 गलत के लिए। पार्ट सी में न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, ये भी एमसीक्यू होते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आते, केवल एमसीक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप ही आते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में मान लीजिए अगर आपका आंसर 5 आ रहा है, तो आपको लिखना है 0005। अगर मान लीजिए आपका आ रहा है 1200, मतलब कुछ भी आंसर लगा लीजिए, मान लीजिए 1 आंसर आ रहा है, तो आपको 0001 लिखना है, ठीक है। ये तरीका इसमें आंसर लिखने का है, ठीक है सर। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सर जेस्ट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या? देखो भाई, अगर पेन पेपर वाला एग्जाम हुआ तो फिर ये आपको ऐसा साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना है। आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन के ऊपर, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको लेके जाना है, ठीक है। और नहीं तो अगर कंप्यूटर बेस्ड होगा तो कैलकुलेटर वहां पर होगा ही ऑलरेडी। सिलेबस की बात करेंगे, फिजिक्स के सिलेबस की अगर आप बात करेंगे, तो सर यहां पर देख सकते हैं मैथमेटिकल मेथड्स यहां पर आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स यहां पर आता है, ठीक है। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑलमोस्ट जो है आईआईटी जैम और सीएसआर नेट जैसा ही सिलेबस है, ठीक है। मतलब आईआईटी जैम से थोड़ा ज्यादा है और सीएसआर नेट से थोड़ा कम है, ये है सिलेबस इसका, ठीक है। एक बार नजर मार लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा सिलेबस आ गया। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, ये सब सर स्क्रीनशॉट ना ही लीजिए। मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है, जस्ट एग्जाम का फोल्डर बना रखा है। वहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा, कोई भी नई बात होगी जस्ट एग्जाम से रिलेटेड उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कुछ भी जस्ट के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है, उसका एक फोल्डर बना रखा है, जाके देख लेना, फोल्डर के अंदर वो मिल जाएगा। जस्ट एग्जाम की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, वो भी चेकआउट कर लेना। जस्ट एग्जाम के लिए मेरी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, वो भी देख लेना, ठीक है। मेरी अनअकैडमी की और यूट्यूब की फ्री क्लासेस अवेलेबल है, जाके जरूर आपको चेकआउट करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊं जस्ट एग्जाम के, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि यस सर पीवाईक्यूज प्लीज सॉल्व करा दीजिए। हम मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा पीवाईक्यू सॉल्व करवाने। बुक्स एंड नोट्स के बारे में बात करेंगे सर। बुक्स एंड नोट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो देखो, इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले जो एस्पिरेंट है, यानी कि जो बीएससी वाले बच्चे हैं भाई, आईआईटी जैम के नोट्स काफी हैं, ठीक है। आईआईटी जैम के नोट्स से ही बच्चे जस्ट एग्जाम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों की कट ऑफ कम जाती है, बीएससी वाले बच्चों की कट ऑफ कम जाती है, कंपटीशन बीएससी वालों के ही साथ होता है, तो कट ऑफ कम जाती है। और जस्ट एग्जाम में जो है आईआईटी जैम के नोट्स जिसने अच्छे से पढ़ रखे हैं वो टॉप रैंक ला सकता है। नोट्स के अलावा अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो लग्रांजियन हैमिल्टोनियन पढ़ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ना, स्टेटमेक पढ़ना, बस ये 3 टॉपिक है जो जस्ट एग्जाम में एक्स्ट्रा है। टॉपिक्स जो है ये वो एग्जाम आईआईटी जैम के अलावा आपको क्या पढ़ना है, ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सर पीएचडी एस्पिरेंट क्या करें भाई, सीएसआर नेट के नोट्स पढ़ लो,
ठीक है, सीएसआर नेट के नोट्स तो ज्यादा ही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सीएसआर नेट वाला पढ़ लो, बहुत आपके काम आ जाएगा। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, शायद आपके काम आ जाए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यार, बुक्स वगैरह मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है सर, तो जैसे कि मैंने बताया कॉमन पेपर आता है, डिफरेंट रैंक लिस्ट रहती है जस्ट एग्जाम में, एमएससी और बीएससी वालों की डिफरेंट डिफरेंट रैंक लिस्ट आती है, यानी कि एक ऑल इंडिया वन, ऑल इंडिया एआईआर वन बीएससी वाला भी होगा और एक एआईआर वन एमएससी वाला भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी, सही है सर। स्ट्रैटेजी बता दीजिए, अब ऑल इंडिया रैंक वन की बात चली रही है तो सर स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे अब। तो देखो यार मेनली स्ट्रैटेजी यार ये रहेगी कुछ इस तरह से, ठीक है, देखो यार बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पर मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ये कॉमन है बीएससी एमएससी दोनों के लिए यार, ठीक है। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ठीक है, हर साल मैंने देखे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप बिल्कुल रिपीट को मतलब डिट्टो छप के आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन छप के आता है, तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आइडेंटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिन बच्चे ने अगर आपने 6 से 7 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं तो यकीन मानिए आपका 40% मार्क्स आ गए, आपके घर पे ही आ गए 40% मार्क्स, क्योंकि 40% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड ही आएगा, मतलब अगर डायरेक्ट छपा हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो वैसा ही क्वेश्चन कुछ कुछ देखने को आपको मिल रहा हो भाई। 3 मार्क्स वालों को प्रायोरिटी देना, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं यार कि 25 क्वेश्चन जो है हमारे 1 मार्क्स के आते हैं, तो बच्चे उनको प्रायोरिटी दे देते हैं और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख ही नहीं पाते। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना, जब आप एग्जाम देने बैठो तो पहले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू करना और जितने हो पाए ठीक है, उसके बाद फिर आप एनएटी कर सकते हो, उसके बाद आप 1 मार्क्स वाले कर सकते हो, ठीक है, बट पहले 3 मार्क्स वाले करना, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख ही नहीं पाते, इन 25 क्वेश्चन में ही उलझ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, एनएटी में भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें तुक्के तो मार ही आना, ठीक है भाई, तुक्के जरूर मार के आना, आखिरी में टाइम बचा लेना और तुक्के मार आना, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लो कट ऑफ जाती है, अभी मैं कट ऑफ आपको दिखाऊंगा, यहां पर काफी कट ऑफ लो जाती है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है, तो डू योर स्ट्रॉन्ग पार्ट, ठीक है, उन टॉपिक्स को बाद में देखना जो आपके कमजोर हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट है उनके क्वेश्चंस पहले करना भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि यार लो कट ऑफ जाती है तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स भी इसमें लाने की जरूरत नहीं है, आप जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट अगर आप कर लोगे पहले तो भी आप अच्छी रैंक यहां पर ला सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों को यार भैया आईआईटी जैम इनफ है, ठीक है, समझ लो मेरी बात को, जैम के अलावा इतना ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपने आईआईटी जैम का अच्छे से पढ़ रखा है तो यकीन मानिए जेस्ट में बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं मेरे जिन्होंने भाई जेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 15 लेके आए, ऑल इंडिया रैंक 20 लेके आए, सिर्फ आईआईटी जैम की तैयारी से, सिर्फ आईआईटी जैम, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, तो यकीन मानो आईआईटी जैम और जो बच्चे पीएचडी वाले हैं सीएसआर नेट इतना काफी है, ठीक है। सेवेंथ टॉपिक, सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन एंड स्टैटमैक, भाई ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जा रहे हैं, इससे भी भाई अभी मैं दिखाऊंगा कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इनसे यार, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको भी एक बार जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है। आईआईटी जैम के अलावा अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन और स्टैटमैक अच्छे से पढ़ो, कम से कम भैया 7 से 8 क्वेश्चन केवल इन दोनों टॉपिक से आते हैं, 8 क्वेश्चन 2 टॉपिक से आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, और बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इस लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन मैंने रिसेंटली सिर्फ 2 क्लासेस में आपको पढ़ाया है जो कि फ्री क्लासेस हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना, पूरा लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन पढ़ाया है, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें करा दिया मैंने, जाके जरूर चेकआउट करना है। चलिए बात करते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। पहले मैं बताना चाहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ये है, यार इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, बिकॉज वो अलग से ही वीडियो डिमांड होती है, उसकी 10-15 मिनट की एक अलग से वीडियो यहां पर आपके पास बन के आ रही होगी, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अभी तक 30 मिनट की हो चुकी है यार, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है, एक वीडियो इसकी अलग से आ रही होगी, तो ये मैंने पिछले 5 साल का एनालिसिस कर रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं, और इसमें जो क्लियर विजेता है 5 सालों में 99 मार्क्स का जिससे पेपर पूछा गया है वो मैकेनिक्स है, हर साल जो है ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एवरेज 9 क्वेश्चन, मैथमेटिकल फिजिक्स 10.2 यानी कि 51 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में,
ये भी अप्रोक्सीमेटली 99, यानी कि हर पेपर में अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का पेपर जो है मैकेनिक से आता है, 20 मार्क्स का मैथमेटिकल फिजिक्स से आता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से 18 मार्क्स का पेपर, थर्मोडायनेमिक्स से 15 मार्क्स का पेपर, ईएमटी से 13 मार्क्स का पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स से 9 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने और कौन से टॉपिक पढ़ने। तो टॉप चार टॉपिक मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये चार सब्जेक्ट अगर पढ़ लेते हो तो आप देख सकते हो भैया अप्रोक्सीमेटली 873 मार्क्स का आप पेपर कराओगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। सर मैकेनिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आ रही होगी, आई बटन में मैं डाल दूंगा जब मैं वीडियो बना दूंगा, जरूर देख लेना यार, ठीक है। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा सर आईएससी के एडमिशन के बारे में बताओ, ठीक है। फिलहाल मतलब एडमिशन के बारे में क्या होता है बाद में वो बताऊं, कि आपने जस्ट एग्जाम दे दिया, आपकी रैंक आ गई, अब आपको अप्लाई कैसे करना है कॉलेज में। तो करंटली राइट नाउ आईएससी का जो है फॉर्म बाहर हो चुका है, तो आईएससी के फॉर्म के बारे में बताता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं आईएससी में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बता रहा हूं मैं, आप पीएचडी के लिए भी सेम चीजें देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैम 2023 में या जस्ट 2023 से आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं आईएससी में, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है कि फर्स्ट क्लास से आपकी बीएससी होनी चाहिए, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर लिखा हुआ है कि जस्ट जो भी देंगे उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, और उसके बाद आप हो गए, ये रीड कर लेना, ठीक है। आईएससी में जब अप्लाई करने जाओगे तो वहां पर एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी फीस 800 रुपए है जनरल के लिए, ठीक है। एक फीस अलग से भरनी पड़ेगी आप, ठीक है। इस साल जो है ये 1 फरवरी को शुरू हो गया था फॉर्म, और 23 मार्च तक ये चलने वाला है, ठीक है। 23 मार्च तक चलने वाला है, तो ध्यान से आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है यार कि जेस्ट की रैंक के बिना, जैम की रैंक के बिना ये बच्चा फॉर्म कैसे फिल करेगा, ठीक है। ये अब इनको सोचना चाहिए कि हाँ भाई इसको डेट को एक्सटेंड करना चाहिए, बट ठीक है भाई अपनी अपनी समझ है, मैं क्या कह सकता हूं, इन्हें बड़े कॉलेज है यार, ठीक है। मुद्दे की बात यह कि मेरे अकॉर्डिंग भाई इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, कम से कम रिजल्ट तो आ जाए, जैम वालों के रिजल्ट तो आ जाए, जेस्ट के रिजल्ट आ जाए, तब फॉर्म फिलअप करा लो, बट भाई दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो आगे अगले साल वाले जो है जैम जो 24-25 वाले स्टूडेंट है, ध्यान रखेंगे 1 फरवरी के आसपास फॉर्म आ जाता है और 23 मार्च के आसपास फॉर्म बंद हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। और ऐसे ही बाकी सारे कॉलेजेस के भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, तो वहां पर आपको ये बाकी बच्चे जो है बताते रहेंगे यार, कोई फॉर्म आपका मिस ना हो जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैं इस यूट्यूब चैनल पे भी बताता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यार टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फिजिक्स वाले बच्चे। सर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, यार जेस्ट 2019 में क्या कट ऑफ गई थी, तो जेस्ट 2019 में करीब 14,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 6,600 जो थे इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले थे, और उसमें से 398 मार्क्स को ही, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई किया था, मतलब इनको इनकी रैंक आई थी, ये पास माने गए कि इन्होंने जस्ट एग्जाम क्लियर कर लिया। तो आप देख सकते हो 6,500 में से केवल 400 को ही माना गया कि इन्होंने जस्ट एग्जाम क्लियर किया, और कट ऑफ गई थी 35 मार्क्स, ठीक है। यहां पे सिमिलरली आप देख सकते हो पीएचडी वालों के लिए क्या गई कट ऑफ यार, ठीक है, यहां पर जो है पीएचडी वालों के लिए कट ऑफ गई 32 मार्क्स, ठीक है, देख सकते हैं 2019 में। सिमिलरली जेस्ट 2022 में, 2020 में देख सकते हैं यार, इतने बच्चों ने पेपर दिया, 26 मार्क्स कट ऑफ गई और 32 मार्क्स गई पीएचडी के लिए कट ऑफ, ठीक है। उतने ही अप्रोक्सीमेटली उतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल, ठीक है सर। 21 का अगर आप डेटा देखें, 21 का इतने बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं 400 को इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया गया, ये गई कट ऑफ 19 मार्क्स के आसपास, और 708 को पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया गया, ये गई कट ऑफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है। एक बार 2019 में बहुत ज्यादा गई थी 35 मार्क्स, बट उसके अलावा 26 मार्क्स, ठीक है, 19 मार्क्स, 23 मार्क्स, देख सकते हैं आप कट ऑफ। जस्ट 2022 के लिए आप देख सकते हैं यार, ठीक है, रिसेंटली ईयर 403 बच्चों को इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया गया, 21 मार्क्स गई कट ऑफ, और यहां पर 703 को पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया गया, 26 मार्क्स गई कट ऑफ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 के अंदर अंदर ही जनरल कट ऑफ रहती है, ठीक है, करीब करीब 30 मार्क्स के अंदर कट ऑफ रहती है यार। तो अगर आप 30 से 35 मार्क्स अगर स्कोर कर देते हैं तो काफी अच्छा है,
ठीक है। और जस्ट एग्जाम के बारे में एक बात अच्छी है कि ये नहीं है कि यार मान लो कट ऑफ क्लियर हो गई तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। यहां कट ऑफ अगर क्लियर होती है तो कुछ ना कुछ मैं आपको जरूर आपको मतलब इंटरव्यू का मौका जरूर मिलेगा। अब बाकी आपके हाथ में इंटरव्यू है, ठीक है। इंटरव्यू में जैसा परफॉर्म करोगे वैसा आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके हाथ में जो है इंटरव्यू है यहां पर, तो यानी कि अगर आपने जस्ट एग्जाम क्लियर कर दिया ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा मतलब जो इंटरव्यू देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम क्रैक कर दिया और आपको कहीं भी इंटरव्यू में भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ऐसा नहीं। अगर आपने जस्ट एग्जाम क्लियर किया है तो कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू कॉल लेटर आपको जरूर आएंगे, 4 से 5 मौके इंटरव्यू देने के जरूर मिलेंगे, ठीक है सर। सर कितनी कितनी रैंक तक बुला लेते हैं? देखो यार ये इसके बारे में अभी पूरा डेटा नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। एक वीडियो आएगी यार मार्क्स वर्सेस रैंक की, यार कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आ जाती है, और रैंक वर्सेस कॉलेज की एक आएगी, रैंक वर्सेस कॉलेज की कि कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज बुलाता है। ये थोड़ा सा एक डेटा है मेरे पास, आप देख सकते हैं। TIFR जो है टॉप 60 को बुलाता है, HRI टॉप 75 को, 40 से अब आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे कॉलेज बुलाएंगे। TIFR ICTS जो है टॉप 60 कैंडिडेट को बुलाता है, ठीक है। तो 40 से आप मार्क्स अगर ऊपर आते हैं, ठीक है, तो आपको जरूर जो है टॉप 100 में आप आ जाएंगे रैंक आपके, ठीक है। ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन और अवेलेबल है, ठीक है, आप देख सकते हैं 2016 की इंफॉर्मेशन है ये कि PhD के लिए इतने मार्क्स पर इतनी रैंक आ गई थी, 52 मार्क्स पर 19 रैंक आई थी, इतने मार्क्स पर 29 रैंक आई थी, 42 मार्क्स पर 69 रैंक आई थी, ठीक है। तो TIFR ने 69 रैंक तक बुलाया था, HRI ने 82 तक, IZER ने 150 तक, IMSC ने 90 तक, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये अलग अलग डेटा है, ये हर साल चेंज होता रहता है, तो ये बस एक रफ डेटा है। तो कुल मिला के यार जस्ट एग्जाम देने वालों अच्छे से एग्जाम दो, रैंक बढ़िया से बढ़िया लाओ, फिर आगे देखी जाएगी, ठीक है, कुल मिलाकर, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा, 2019 का अगर आप डेटा देखें तो कुछ इस तरह से डेटा था कि जिसकी ऑल इंडिया रैंक 15 आई थी उसके नंबर थे 58 मार्क्स, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 40 आई थी उसके मार्क्स थे, मैं एक बार देख के बताता हूं यहां पर, 50 मार्क्स, ठीक है। जिसके ऑल इंडिया रैंक यहां पर 82 आई थी उसकी उसके मार्क्स थे 46, ठीक है। जिसके ऑल इंडिया रैंक 117 आई थी, 117 आए थे उसके थे 40 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट आइडिया ये है रैंक वर्सेस का, लेकिन इसकी अलग से पूरी वीडियो लेके मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं यार, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स मैंने स्टूडेंट्स निकाले हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, चाहे वो MSc वाले स्टूडेंट हो, चाहे BSc वाले स्टूडेंट हो। ये आप IIT जैम के रिजल्ट देख रहे हैं सर, IIT बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली, खड़गपुर, हैदराबाद, ठीक है। ऑल्सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, खड़गपुर, IIT कानपुर, गुवाहाटी, रोपड़, ये बच्चों के मैसेजेस हैं जो आए हुए हैं, जिन जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर। बाकी बहुत सारे बच्चे, ये तो पहले दिन जिन बच्चों ने मेरे को मैसेज कर दिया उनके स्क्रीनशॉट है, ना जाने कितने IIT गए, NIT गए यार, ठीक है। तो आप भी जो है उन टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का जरूर ज्वाइन करना फिजिक्स वाले बच्चे, ठीक है। जेस्ट में भी आप देख सकते हैं सिलेक्शन, जेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 25, 44, 49, 56, 69, ये मेरे पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक टॉपर आए हैं, ठीक है। तो बंपर सिलेक्शन रहा था पिछली बार जेस्ट एग्जाम में, ठीक है। 2024 का मेरा कुछ इस तरह से शेड्यूल है, आप देख सकते हैं यहां पर यार, ठीक है। और एक साल में मैं ये सब पढ़ाता हूं, 2 बार डिटेल कोर्स, 2 बार रिविजन कोर्स, 2 बार प्रैक्टिस कोर्स, 2 बार PYQ कोर्स, और वीकली संडे टेस्ट, एवरी संडे 9 PM टेस्ट होता है, 52 टेस्ट एक साल में मैं करवाता हूं, मॉक टेस्ट, और ये सारे आपको PYQs में क्लास में करवाता हूं, ठीक है। यकीन मानिए इतना कोई भी आपको पूरे इंडिया में राइट नाउ नहीं पढ़ा रहा होगा, IIT जैम के लिए, गेट के लिए, जेस्ट के लिए, और आने वाले टाइम में CSR नेट के लिए भी, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल यार, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार यहां पर, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस तरह से है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले, बड़ी ही मेहनत लगती है यार आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आप देख सकते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो यार कमेंट करके एक बार थैंक यू बोल देंगे तो मेरा आप दिन बना देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, व्हाट्सएप शेयर पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर शेयर कर दोगे तो यार क्या ही बड़ी बात है यार, एक बार जरूर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां पर PYQ फोल्डर मिल जाएगा, PYQ वीडियोस मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना यार।
ठीक है, ये वीडियोस आप चेक कर लेना, यहाँ पर अगल बगल में आ रही होंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, सी यू, टाटा, बाय बाय। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।